हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल केकेडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि फ्रेंड्स आप कैसे अपने ट्रू कॉलर की मदद से ब्लॉक्ड कॉल कैसे चेक कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप अपने ट्रू कॉलर ऐप की मदद से भी ब्लॉक कॉल को चेक कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने ट्रू कॉलर ऐप को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू कॉलर ऐप को ओपन कर लिया हूँ। ऐप को ओपन कर देने के बाद कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाता है। अब आपको सबसे ऊपर एक सर्च का आइकन देखने को मिल रहा है और उसी के बगल में आपको तीन बिंदु देखने को मिल रहे हैं, तीन डॉट देखने को मिल रहे हैं। आपको तीन बिंदु पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर रेड कलर में एक रेड कलर का आइकन देखने को मिल रहा है और उसी के बगल में लिखा हुआ है ब्लॉक्ड कॉल, लिखा हुआ है ब्लॉक्ड कॉल। आपको ब्लॉक कॉल के ऑप्शन पर कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप ब्लॉक कॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने अपने ट्रू कॉलर ऐप में जिस जिस नंबर को जिस जिस कॉल को ब्लॉक किया होगा वो यहाँ पर शो कर जाएगा। मैंने अपने ट्रू कॉलर पर किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पर्सन शो नहीं कर रहा है। आपने किया होगा तो आपके यहाँ पर शो कर जाएगा। आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपने ट्रू कॉलर की मदद से ब्लॉक कॉल को चेक कर सकते हैं।